डभोई तालुका में भी कोरोना वायरस की संभावित लहर से निपटने के लिए आरोग्य विभाग द्वारा मिले गए आदेश के तहत आज मॉक ड्रिल की गई। डभोई तालुका सहित समग्र देश में तथा राज्य में कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके भागरूप आज डभोई नगर में भी रेफर हॉस्पिटल स्थित आरोग्य विभाग तथा नगर के आगेवानों द्वारा कोरोना की संभावित लहर का सामना करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट, पीपीई किट सहित साधन सामग्रियों की जाँच पड़ताल की गयी। डभोई पंथक सहित रेफर हॉस्पिटल में स्थानिक तालुका ग्रामीण विस्तार के लोग यहाँ पर इलाजी प्रक्रिया के लिए आते हैं। ऐसे में डभोई आरोग्य के तबीबों से लेकर कर्मचारी तथा नगर के आगेवान कटिबद्ध होने के साथ आज तमाम साधन सामग्री की पूर्व तैयारी के भागरूप जांच पड़ताल करते हुए कामगिरी को तराशा गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, पीपीई किट, एम्बुलेंस सेवा, कोविड आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन के साथ अन्य 20 बेड की सुविधा पुनः कार्यरत की गई है। केंद्र सरकार ना माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया ना आदेश ने सूचना मुजब आज रोज डभोई खाते आरोग्य खाता में दवाखाना में मॉक ड्रिल करवामां आव्यो, जेमा कोरोना ना पेशंट आवे तो एनी साधन सामग्री की चकासणी करवामां आवी। ऑक्सिजन प्लांट, ऑक्सिजन साथेना बेड अत्यारे 20 तैयार छे। आईसीयू की जरूर पड़े तो 3 बेड की तैयारी छे। एम्ब्युलेंस पण छे, डॉक्टर छे, पूरती दवाओ पण छे। गई वक्त कोरोना में ऑक्सिजन साथे जे बेड नी अंदर 157 पेशंट दाखल करवामां आव्या हता अने ऑक्सिजन वगर तो खूब मोटी संख्या में पेशंटों ने सारवार आपवामां आवी हती। आवता दिवसों में जो कोरोना आवे तो डभोई तालुको पूरी रीते सारवार करवा माटे सज्ज छे।